आइए सुनिए देखिए समझिए सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ॐ ह्रीं नमो आयरियाणम्। ॐ ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ॐ ह्रीं नमो लोये सर्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो कारो सर्वपावपनाशन मंगलाणं च सर्वे सिंह पढ़मं हवै मंगलं पढ़मं हवै मंगलं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। यह त्रिमंत्र सभी धर्मों के समन्वय के लिए बोला गया है और इसमें ईश्वर की स्तुति की गई है। ये मंत्र एकता का परिचायक है, सर्वधर्म संभाव का परिचायक है, सबको जोड़ने का परिचायक है और विश्व को वसुधैव कुटुंबकम बनाने का परिचायक है। और आज विश्व को इसकी आवश्यकता है। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन में सारी पृथ्वी एक हो गई है, लेकिन इंसान का दिल इंसान के करीब आवे उसके लिए यह एक भावना योग बताया गया है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य और अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द कॉस्मॉस, यह हम आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? कि आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके आपके भीतर राइट बिलीफ का बीज वपन करना चाहते हैं। यानी आपकी जितनी भी नकारात्मक भाव है उसको सकारात्मक में बदलना चाहते हैं। आपकी दृष्टि जो गलत दिशा में जा रही है उसको सही दिशा में लाने के लिए हम करेक्शन देते हैं। आपके भीतर जो भ्रांतियाँ हैं वो हम दूर करके आपको सही बात बताना चाहते हैं, आपको सम्यक दर्शन देना चाहते हैं। और ऐसा कहा गया है, एक बार जिस प्राणी को सम्यक दर्शन मिल जाता है वो निश्चित तौर पे शाश्वत सुख को प्राप्त करता है। ये सब हम कार्य क्यों करते हैं? कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो, शाश्वत सुख की नींव लगे। यह कार्य हम अलग अलग विषयों एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आभा मंडल, ओरा। आपने देखा होगा कि भगवान के सिर के पीछे या किसी साधक सन्यासी जो पहुंचा हुआ हो उसके सिर के पीछे एक गोल वलय बनता है। ये वलय आभा मंडल का है। आभा मंडल का अर्थ है कि आपके भीतर कैसे विचार चल रहे हैं, उन विचारों को जो है वो कैसे कैसे भाव चल रहे हैं, उन भावों की प्रस्तुति जो है आपके भीतर हो जाती है और उसका वलय बनता है,
उस वलय को हम ओरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं। मनुष्य के इस पूरे शरीर के एक इंची की थिकनेस के अंदर ये आभा मंडल और ओरा बनता है, जो कि उसके भीतर चल रहे भावों और विचारों का जो है परिचायक होता है। देखिए कि ये आभा मंडल बनता कैसे। इस आभा मंडल का मुख्य सोर्स है, वो है हमारे भाव, और हमारा भाव है वो गंगोत्री है। भगवान शिव को जब भगवान राम के पूर्वजों ने, भगीरथ ने जो है प्रयास किया, प्रार्थना की, उनकी उपासना की, तो शिव ने प्रसन्न होकर के और उनकी जटा में से गंगा को हरिद्वार से, केदारनाथ बद्रीनाथ से जो है बहाया, और वो गंगा पूरे हिंदुस्तान में बहती बहती पापियों का उद्धार करती हुई वो भारत के चारों तरफ फैला हुआ समुंदर, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में जा कर के मिल जाती है, अपनी अपनी दिशाओं के हिसाब से, बहने की दिशा के हिसाब से। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो भाव है गंगोत्री से आते हैं। गंगोत्री जो है हमारे भीतर जो प्रभु विराजमान है, शुद्ध आत्मा भगवान, वो तो मूल स्वरूप के अंदर है और वो अक्रिया है, वो कोई क्रिया नहीं करता है, परंतु उसके साथ में कॉजल बॉडी लगी हुई है जो कि जड़ स्वरूप है और जो चतुस्पर्शी है। चतुस्पर्शी पुद्गल वह होता है जो कि न तो आँखों से दिखाई देता है, न किसी भी वैज्ञानिक दूरबीन से दिखाई नहीं देता, इतनी सूक्ष्मतम होता है। उस सूक्ष्मतम जो है कार्मण शरीर के अभी तक फोटो नहीं लिए गए और लिए भी नहीं जाएंगे। उस कार्मण शरीर का जब हमारी आत्मा से वो विलग होता है, यानी जब निर्जरा होती है, तो निर्जरा होते ही वो निर्जरा उसकी जो पकने के बाद, यानी कि उसके प्रारब्ध और उदय के बाद के अंदर, वो वहाँ से छूट करके कार्मण शरीर से एक अध्यवसाय बनाती है। अध्यवसाय भी एक तरह का जो है वो पूरी सरफेस बनती है। उस अध्यवसाय से वो भाव, शुभ या अशुभ जैसे भी भाव है, वो कलरलेस होकर के वहाँ से निकल करके, और हमारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो अवचेतन मन है, तेजस शरीर है, उससे जाके टच होता है। टच होते ही जो है उसको कलर मिलता है, वह पौद्गलिक जो है वो हमारे भाव हो जाते हैं, कलर मिलता है। कलर जो है अगर ब्राइट चमकीला है, वाइट है, तो वह शुक्ल लेशिया है। शुक्ल लेशिया अत्यंत पवित्र होती है और यह हमें जो है वो आत्मा की शुद्धता देती है। और दूसरी जो है शुभ लेशिया का उसको जो कलर मिलता है वो तेजो लेशिया होती है। तेजो लेशिया पिंक कलर की होती है और हमें ये शांति प्रदान करती है। तीसरी शुभ लेशिया होती है वो पद्म लेशिया होती है, हल्दी जैसा चमकता हुआ कलर होता है, तो वो हमें जो है आनंद की अनुभूति कराती है। तो ये जो तीनों कलर मिलते हैं, ये भीतर से शुभ भाव आते हैं जब ये तीनों तरह की जो है वो चमकती हुई लेशियाएँ मिलती है। और भीतर से अगर अशुभ भाव होते हैं और वो हमारे जो इस जो तेजस शरीर को जो टच होती है, तो टच होने पर जो है वो कृष्ण नील और कापोत लेशिया बनती है। कृष्ण का मतलब काली डल, और काली डल जिसकी लेशिया होती है वो बहुत ही अशुभ भाव होते हैं। पंचेंद्रिय वध है, किसी को मर्डर करने का है, किसी को मारने का है, किसी को गोली से उड़ाने का है, किसी को सिर से काटने का है, ऐसे जो है वो भयंकर भाव होते हैं, उनके काले रंग की डल लेशिया कृष्ण लेशिया होती है। और नील लेशिया होती है इससे थोड़ी बेटर होती है, तो वो नीले रंग की होती है। नीले रंग की जो लेशिया होती है उसके अंदर अपराध, झूठ, माप तोल, कपट,
षड्यंत्र, धोखाधड़ी ये भाव भरे हुए रहते हैं। ये भाव वो होते हैं जो कि कार्मण शरीर में स्टोर होते हैं और वो उदय प्रारब्ध के रूप में लेशिया के फॉर्म में बदलते हैं। और कापोत लेशिया होती है वह कंपैरेटिवली दोनों से जो हल्की होती है, तो वो छोटे मोटे जो है वो नेगेटिव थिंकिंग कराती है, जैसे कि किसी के प्रति जो है घृणा का भाव, निंदा का भाव और किसी की बुराई करने का भाव, ऐसे ऐसे जो है भाव करने वाली होती है वो कापोत लेशिया होती है। तो भीतर से शुभ लेशिया आई तो शुभ बनती है, अशुभ जो है भाव आए तो अशुभ लेशिया बनती है। तो ये सारा कन्वर्शन है हमारे तेजस शरीर में होता है, और जो ही इसको जो है ये स्पर्श हो जाता है तेजस शरीर का, तो तेज वो अष्ट स्पर्शी बन जाती है। अष्ट स्पर्शी बनने के कारण उसका फोटो लिया जा सकता है, उसकी डेरिवेशंस किया जाता है जा सकता है, उसकी रीडिंग की जा सकती है, उसका फलित निकाला जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम कहना चाहेंगे कि अष्ट स्पर्शी बन गई है तो अष्ट स्पर्शी के कारण कर्लियन फोटोग्राफी इत्यादि बहुत सी फोटोग्राफी आज डेवलप हो गई है, वो इनके फोटो खींचते हैं। अगर तेजस शरीर के या हमारे अवचेतन मन के या इसके जो है छह लेशियों के फोटो खींचे जाए और फोटो खींचे जा कर के उनका डेरिवेशन निकाला जाए, उनका फलित निकाला जाए, तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो हमारे जीवन में क्या घटित होना है वो छः महीने पहले ही उद्घाटित हो जाता है। अगर हमारे भीतर शुभ भाव होंगे तो कलर शुभ है, ब्राइट होंगे, चमकते हुए होंगे और लाइट कलर्स होंगे। अशुभ भाव है तो डार्क कलर्स होंगे और वो जो है वो डार्क कलर्स जो है वो कहना चाहिए कि बहुत जो है वो भद्दे कलर के होंगे। तो इस तरीके से ये फ़ोटो लेकर के और हम जो है वो फ़ोटो हमारे ऑटोमेटिकली जो है सिर के बाहर बन जाता है और फ़ोटो लिया जाता है, उसको ओरा कहते हैं। और ओरा के द्वारा जो है हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी आने वाली है, कब आने वाली। लगभग छः महीना पहले जो घटना घटित होती है ओरा के अंदर आकर के प्रदर्शित हो जाती है। ओरा हमारे तेजस शरीर से अवचेतन मन की सहायता से जो होता है, यानी हम स्वयं अपने डॉक्टर हैं, हमको पहले इंडिकेशन मिल जाता है अगर हम सचेत होते हैं या हम अध्यात्म जगत के गोते लगाते हैं या भीतरी शक्ति का हमको आभास होता है। लब्धि वीर्य के अगर हम जानकार होते हैं तो हम सहज ही जो है हमें मालूम पड़ने से हम सचेत हो जाते हैं। और जो व्यक्ति जो है इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है, तो वह जो है अपने आप मूल स्वरूप के अंदर वो घटना घटित हो जाती है। तो देखिए जब ये कलर्स निकाले गए और इसके रिजल्ट्स निकाले गए, मालूम पड़ा कि वह व्यक्ति बीमार हो सकता है। तो ऐसे में हमको फ़ायदा क्या है कि अगर इन लेशियों का जो आभा मंडल बनता है तो उस आभा मंडल को अगर हम वो सीरियसली लेवें उससे बचाव भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, उनका ओरा बहुत शुद्ध होता है क्योंकि उनके शुभ भाव होते हैं। उन शुभ भावों से जो ओरा बनता है, आभा मंडल होता है, वह शुद्ध होता है। और शुद्ध होने के कारण अगर हम ऐसे महापुरुष के पास में बैठते हैं, उसकी सन्निधि में बैठते हैं, तो हमें सुकून महसूस होता है, शांति महसूस होती है। इसीलिए हम सत्संग करते हैं। सत्संग के माध्यम से जो है हम महापुरुष के ओरा का स्पर्श कर सकते हैं और शांति को महसूस कर देते हैं। ओरा हरेक का बनता है, जड़ का भी बनता है और चेतन का भी बनता है। जड़ का जो ओरा होता है फिक्स होता है क्योंकि उसमें हलन चलन नहीं है, उसमें जीव नहीं है, उसमें स्पंदन नहीं है,
उसमें फीलिंग नहीं है और उसमें सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं है, तो फिक्स ओरा हो गया, वो एक सा ही होता है। पर मनुष्य के भाव बदलते रहते हैं, हर क्षण मनुष्य के भाव बदलते रहते हैं, तो भाव बदलने से हमारा आभा मंडल और ओरा भी बदलता रहता है। अभी हम कुछ विचार कर रहे थे और कुछ विचार हो गए, जब ये भाव जो है वो हमारे एंडोक हमारे चित्त के आदेश के अनुसार चित्त की जो है नॉलेज में रह करके जो इस चित्त है हमारे स्थूल शरीर का जो है गवर्निंग बॉडी होती चित्त होता है, चेतना का नाम चित्त होता है, उसके साथ स्पर्श करके अवचेतन मन इस चेतन मन से स्पर्श करके जो है और वो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो इन शुभ अशुभ लेशियों के संपर्क में आकर के और वो वाइब्रेशन फॉर्म में होती है, शुभ और अशुभ है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आकर के विचार बन जाते हैं। जब वो लेशियाएँ लिक्विड में कन्वर्शन होती है हमारे जो इन एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जिसमें छेद या मुँह नहीं होता है, बिना छेद और मुँह के वो जो लिक्विड फॉर्म होता है वो लिक्विड फॉर्म हमारे ब्लड में ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। इसका मतलब ब्लड को जो है जो भाव से जो विचार बने वो विचार ब्लड को एनी टाइम 24 आवर्स जो है मिलते रहते हैं और वो विचार होते हैं मूल रूप में हमारा उदय और प्रारब्ध जैसे जैसे भाव होते हैं उसी के अनुसार होते हैं। कहा भी गया है कि भाव सुधारो भव सुधरेगा, भाव बिगाड़ो भव बिगड़ेगा। जितना हमारी आत्मा का चार्जिंग है वो सब भावों के द्वारा होता है, अशुभ भाव शुभ भाव और शुद्ध भाव के द्वारा होता है, उससे हमारी कॉजल बॉडी चार्ज होती है। और अगर शुद्ध भाव होते हैं तो उससे पुण्य जो है हमको भटकाने वाला नहीं मिलता है और शुभ लेशियाओं जो मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति से जो है हम हर धार्मिक क्रिया के साथ में पुण्य जो अर्जित करते हैं वह पुण्य हमें मनुष्य गति या नर गति के अंदर यात्रा कराएगा, उससे हमें और भी अधिक समय लग सकता है मुक्त होने के अंदर। और शुद्ध आत्मा और शुद्ध जो है वो हमारे भाव है वो भी पुण्य जो है पैदा करते हैं और उस पुण्य के द्वारा जो है वो हमारे जो प्रज्ञा के रूप में होता है और हमको जो है वो आनंद की अनुभूति कराते हैं और साथ साथ के अंदर अपने स्वरूप की जानकारी करवाते हैं और हम जो है उसके साथ में भटकना नहीं पड़ता है। वो रियल पुरुषार्थ है वो सीधा उस प्रभु से संपर्क कराता है, उसकी माला फिरवाता है, उसके सन्निधि में रहना चाहता है जो ऑलरेडी मुक्त अवस्था में है और इस शरीर से मुक्त होने पर मुक्ति की अवस्था यानी जो है सिद्ध शिला के अंदर जाना चाहता है। तो अब देखिए कि आभा मंडल की हमने इतनी विस्तार से चर्चा की, अब हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि आभा मंडल की जानकारी करने से हमको फायदा क्या है। आभा मंडल की जानकारी करने से हमें उस व्यक्तित्व के बारे में मालूम पड़ जाता है कि व्यक्ति जो है वो लुटेरे या व्यसनी या जो है खौफनाक व्यक्ति का है, दुर्जन व्यक्ति का है या सज्जन व्यक्ति का है। क्योंकि ओरा जो है वो सज्जन व्यक्ति का बहुत ही नॉर्मल बनेगा और वह जो अच्छा ओरा होगा चमकता हुआ ओरा होगा और जो दुष्ट व्यक्ति होगा जो जनता की तकलीफ देने वाला होगा तो उसका ओरा जो है मैला मैला यानी जो है वो कृष्णनील कापोत लेशिया वाला होगा। तो इससे व्यक्ति का सहज जानकारी हो जाती है। उसके साथ साथ में आभा मंडल की जानकारी करने से हमें स्वयं को भी ये मालूम हो जाता है कि हमारे भीतर कोई बीमारी आने वाली है, पुण्य का काम होने वाला है या पाप का काम होने वाला है, तो उदय के साथ में प्रारब्ध के साथ में क्या होने वाला है वो हमें पहले ही पता चल जाता है। तो हम सावधान हो जाते हैं और करेक्शन देना चालू कर देते हैं
कि हमारी कहीं पे भी गलती हो गई है तो उस अतिक्रमण का हम प्रतिक्रमण करते रहते हैं और शुद्ध होते जाते हैं। तो ये जो है हमारे ओरा के लाभ है, और ओरा को रीडिंग करने की आजकल बहुत सी टेक्निक आ गई है, उनकी सहायता से हम व्यक्ति के भावों को और विचारों को पढ़ सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जीवन जो है कैसा होना चाहिए, इस ओरा के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ कि व्यक्ति जो है शुद्ध ओरा वाला होना चाहिए, व्यक्ति जो है प्योर ओरा वाला होना चाहिए, यानी उसके भाव शुद्ध है, उसके विचार शुद्ध है, तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके कर्मों का बंधन नहीं होगा। अशुभ भावों से अशुभ विचार बनते हैं और वही कर्म बंधन का कारण बनते हैं। तो हम अगर शाश्वत सुख को चाहते हैं तो हमें ओरा अच्छा बनाना चाहिए, हमें जो है शुद्ध या शुभ भावों की प्रस्तुति करनी चाहिए, ताकि कि उससे हम एक सज्जन और अच्छे इंसान बन सकें और अपने जीवन को भी धन्य बना सकें, साथ साथ में जगत कल्याण, लोक कल्याण और लोगों की भलाई का भी हम कार्य कर सकते हैं। और आभा मंडल को जानने से जो है हमें, अगर वास्तव में वो संत पुरुष है तो बड़ी शांति और सुकून मिलता है। ऐसे शुद्ध ओरा वाले व्यक्ति के पास में, उनकी सन्निधि में हमको रहना चाहिए, क्योंकि एकांत और जो ये सन्निधि है ये हमारा शुद्धिकरण करती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आभा मंडल और ओरा है, जिसकी जांच करने के लिए आज कई यंत्र आ गए हैं, और इसमें बहुत बहुत से कलर से जो ये ओरा बनता है उससे डेरिवेशन होता है। तो हम जो है इसका अभ्यास करें कि ओरा की निष्पत्तियाँ निकालें, उस निष्पत्तियों का हम मिलान करें कि वह हमारे जीवन के अंदर घटित होती या नहीं होती है। वास्तव के अंदर वो घटित होती है, और सही कैलकुलेशन हमको मालूम हो तो मालूम पड़ जाएगा कि जीवन के किस जो है पड़ाव के ऊपर जाकर के गलतियां जो है उसका जो है अवतरण होगा और उसको जो है वह हमें भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से ओरा और आभा मंडल एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताता है। ओरा के द्वारा हम व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं कि उसके भीतर क्या चल रहा है, क्योंकि जो कुछ भीतर चल रहा है वह बाहर का जो जगत है उसको नियंत्रण करता है। भीतर का जगत पावरफुल है और बाहर का जगत उससे नियंत्रित होता है, और भीतर के जगत के अंदर जो है वह अत्यंत सूक्ष्म होता है। आपने कभी जो है अपने मोबाइल के अंदर जो मेमोरी कार्ड लगता है उस कार्ड को देखा होगा, कार्ड तो बहुत छोटा होता है लेकिन उसमें 100 GB तक का जो है डाटा भरा जा सकता है, क्योंकि वह अति सूक्ष्म होने के कारण जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो भरा जा सकता है। तो इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आज का ये विषय जो आभा मंडल है, ओरा है, यह व्यक्तित्व की पहचान करने का सबसे बड़ा अच्छा माध्यम है। जब ये फोटोग्राफी जो है और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, तो जिस तरीके से एक्सरे खींचा जाता है उस तरीके से ओरा को खींच करके और उसका कलर के आधार, क्योंकि ये कलर्ड रूप में ही होता है, कलर के आधार पे हम उसके व्यक्तित्व के बारे में आसानी से बता सकते हैं। व्यक्तित्व के जीवन में क्या घटित होने वाला है थोड़े समय में उसकी भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इस ओरा का जो है वो भविष्य के अंदर भविष्यवाणी के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये कुछ समय पहले की जो है घटनाओं का जो घटित होने वाली है उसके पूर्वी जो है हमें उसके बारे में वो जानकारी करने लग देता है, वो बताने लग जाता है। तो भाई और बहनों,
आप देखिए कि ओरा और आभा मंडल ये कितना गहन विषय है, और इस गहन विषय को हमें सीखना चाहिए। और वास्तव में जैसे ज्योतिष लोग होते हैं और वो ग्रहों के आधार पर, वो अपनी कुंडली के आधार पर जो है वो डेरिवेशंस निकालते हैं, तो उसी तरीके से जो ओरा के जानकार होते हैं वो भी जो है अपना इस कलर के आधार पे डेरिवेशन करके व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में वो जानकारी करा सकते हैं। तो हम जो है इस ओरा के माध्यम से जो है ये जानना चाहेंगे कि हमारा कैसा व्यक्तित्व बनने वाला है, और धीरे धीरे अगर विज्ञान ज़्यादा तरक्की करता है तो वह जो है हमारा कार्मण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके भी अगर फोटो लेने लग जाता है तब तो हमको वो संपूर्ण रूप से जो है वो जानकारी हो जाती है कि व्यक्ति के किस तरीके के कर्मों का बंधन हुआ हुआ है। हम तो आशा करते हैं कि इस ओरा के माध्यम से कि धीरे धीरे हमारे कार्मण शरीर के भी फोटो जो है हमको मिलते रहने चाहिए, ताकि कि हम उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ओरा का जो सबसे बड़ा उपयोग क्या है कि हम करेक्शन दे सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को सुधार सकते हैं कि हमारा व्यक्तित्व किस दिशा के अंदर जा रहा है। हम उसमें करेक्शन दे करके हम उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको जो है निष्कर्ष की भाषा में ये बताना चाहते हैं कि ओरा और आभा मंडल ये एक ऐसा विषय है जो अच्छे अच्छे लोगों की या बुरे लोगों का पूरा व्यक्तित्व का चिट्ठा खींच देता है। और अगर ओरा को गहराई से जो है अध्ययन किया जाए तो पूरा जिस तरीके से एक ज्योतिष होता है और ज्योतिष से जो डेरिवेशन कर लेता है वो सारा का सारा ओरा के माध्यम से किया जा सकता है। ओरा एक पूरी साइंस है, ये जो है कोरी कपोल कल्पित कल्पना नहीं है, ये एक साइंस है जो कि विज्ञान के द्वारा सम्मत है। और ये अष्ट स्पर्शी पुद्गलों के द्वारा जो है वो हमें जो है वो पुद्गलों के द्वारा जो है ये वर्णित किया जा सकता है। इसलिए ओरा का हमें अध्ययन किया जाना चाहिए। और मैं तो इस एपिसोड के माध्यम से जो है ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर अलग अलग विषयों की पढ़ाई की जाती है, तो व्यक्ति के आभा मंडल की स्टडी को इतना जनरल कर देना चाहिए कि वो अध्ययनशील हो जावे, तो उससे जो है हमारी कोर्ट की प्रणाली है उसको बहुत ही बड़ा फायदा होगा। कोर्ट ये जान जाएगा कि इस व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। जो आज का विषय है ये आंतरिक जगत का विषय है, और इसकी निष्पत्ति है बाहर के जगत में होती है, क्योंकि भीतर से बाहर आता है और बाहर से जो है भीतर जाता है। तो भीतर के अंदर हमारे क्या चल रहा है, विचारों का क्या वर्तूल है या भावों का क्या चल रहा है, जो हमारी आंतरिक फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को जो है ये ओरा के द्वारा सारा संचालन जो है किया जा सकता है। तो इसीलिए जो है हम इस ओरा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, और इसके बाद के अंदर इसकी बहुत रिसर्च होनी चाहिए, इसका गहन अध्ययन किया जाना चाहिए कि ज्ञान के अध्ययन करने से जो है ये बहुत सी चीज़ें हमको मालूम होने लग जाएगी कि किस तरीके से जो है हम ओरा का अध्ययन करके और अपने जो व्यक्तित्व के अंदर सुधार कर सकते। जब ये सामान्य रूप से एक शिक्षा के रूप के अंदर कोर्स के रूप में बन करके हमारे स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटियों के अंदर ये बताया जाएगा, तो इसकी ज्ञानता का और इसकी विद्या का बहुत बड़ा विकास होगा। तो हम कहना चाहते हैं कि
कि ओरा और आभा मंडल के विषय को बहुत हाई लेवल पर प्रकट किया जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, लोक ये सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, कल्याण मिले, आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।